1 2 3 है मोए मोए हो गया 1 2 3 हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पिछले व्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और आज का व्लॉग उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो क्यों ना अपने कमरे को आप लोगों को दिखाया भी जाए और अपने कमरे को थोड़ा सा साफ सुथरा भी किया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी भाई साहब, तो ये है हमारा कमरा। आप देख सकते हैं कमरे की क्या हालत हुई है। मेरा हेलमेट कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा बैग कहाँ पड़ा हुआ है, जैकेट कहाँ पड़ी हुई है, तो ऐसा कमरा हुआ हुआ है। लड़कों का कमरा होता ही ऐसा है। तो अभी हमें इस कमरे को रेनोवेट करना है। रेनोवेट तो करना ही करना है, लेकिन आज हम ज़्यादा कुछ रेनोवेट नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये मैंने ऑर्डर मंगवाया है, आपने सारे कमरे में क्या हो सकता है, ठीक है, ये हमने आज पूरे कमरे में लगानी है। और इसके बाद अभी अनबॉक्सिंग भी करते हैं इसकी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ऐसे कमरे को हम लोग गेमिंग रूम कैसे बना सकते हैं आप। अरे हाँ जी, तो हमने भाई साहब ये मंगवाया है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा कि कैसा आया है, पिछले 2 घंटे से आया हुआ है। मैंने कहा था ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग पे से कवर करेंगे कि क्या है। अच्छा जी भाई साहब, हाँ जी, तो हमने क्या करना है, मैंने मंगवाई है लाइटें, ठीक है, ये कलरफुल लाइट्स हैं, देखो जिसपे हम लोग लगाएंगे तो आपको उसको भी दिखाऊंगा। और हमने इस लाइटों को लगाना है ऊपर, ठीक है। इस लाइटों को हम लगाएंगे तो भाई साहब पूरा चल वाला मौसम होने वाला है, मजा आने वाला है। अच्छा भाई साहब, मैंने जुगाड़ कर लिया थोड़ा चेक करने के लिए कि है कि नहीं सही। आपको मैं जादू दिखाऊँ, एक 1 2 3 ना 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 ना। अच्छा ये जादू नहीं था, ये मैंने रिमोट से किया था, समझ गई। क्या रिमोट मिला वो, और इस पर बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। ये देखिए, मैं अगर मैं इसको ऐसे करूँ ऐसे करूँ, था बहुत मज़े की लाइट लग रही है यार ये। और इसको जब हम इसको लगाएंगे तो भाई साहब मज़ा आ जाना है। और आपने मुझे व्लॉग्स में और बताना है कि कमेंट में बताना है कि भाई साहब हम इस कमरे को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कमरा अच्छा होगा तो भी मज़ा आएगा ना। आपने कमेंट में बताना है कि हमको, अगर आप कहेंगे पोस्टर लगाओ हम पोस्टर लगाते हैं, अगर आप बोलेंगे भाई कमरा तोड़ के नया बनाओ तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। तो आपने जल्दी से कमेंट में बताना है कि भाई साहब क्या करना है हमने, ठीक हो गया। तो फिर हम इसको बस एक दफ़ा जाते हैं, कपड़े पहन हम भी थोड़ा नहा धो के तैयार होके आते हैं, फिर इसका सेटअप लगाते हैं भाई। A few moments later. हाँ तो भाई साहब आपके भाई नहा लिए, अब आपने कमेंट में बताया ना भाई साहब कि आपका भाई कैसा लग रहा है। अब हम चलते हैं भाई साहब अपना कमरा ठीक करने। और एक और बात, अगर आपने इस वीडियो पे 100K लाइक कर दिए, मैं वादा करता हूँ भाई साहब इस कमरे को तोड़ देंगे भाई, और फिर हम उसको रेनोवेट दोबारा से करेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। टूट गई कमर, हाय हाय, चावे अब किधर, हाय हाय। हाँ जी भाई साहब, हमने अपना कमरा साफ कर लिया है, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो कैचअप रखिए, वो कैचअप नीचे लेके जाना है, बाकी आप चेक कर सकते हैं भाई। ऐसे कमरा हमारा ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, कमरा बहुत खूबसूरत है, बस उसको मैंने गंदा कर रखा था, लेकिन उसको हम अब और अच्छा करेंगे। बस आप लोगों को बोल दिए 100K लाइक कर दो यार, तोड़वा के नया बना देते हैं भाई, ऐसे वाली बात थोड़ी है। आप लोग प्यार करो तोड़ देंगे, लेकिन अब हम लगाएंगे लाइट लाइट। 2000 years later. हाँ तो फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारी लाइट भाई साहब लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि पूरी तक आ जाएगी, और बहुत पूरी तक आई है, मतलब कंप्लीट पूरा डब्बा टाइप बनाया है, एंड इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी तक मैंने भी ट्राई नहीं किए, तो आओ ट्राई करते हैं भाई साहब, ये करते हैं 1 2 3 है मोए मोए हो गया 1 2 3 फिर मोए मोए 1 2 3 भाई साहब चेक कर रहे हैं भाई। अच्छा हम लाइट बंद करके बनाते हैं कोई सीन, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो भाई साहब, चेक कर रहे हैं आप लोग भाई साहब, क्या मजेदार हो गया यार भाई। अब 1 लाइक तो बनता है, अब तो लाइक बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे रूम को इस तरह लाइट से डिकोर करें, तो सिर्फ और सिर्फ 10K लाइक करो वीडियो पे, 10K भी नहीं, चलो 1K लाइक करो, हम पूरे कमरे पे लाइटें लगा देंगे। और 100K पे तो आपको बताया हुआ है कि हम घर का कमरा तोड़ के नया कमरा बनाएंगे भाई साहब, क्या लग रहा है भाई साहब। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल
हाँ तो फाइनली हमारा ये काम तो हो गया। अब हमें जाना है दादा दरबार, क्योंकि दोस्त को जाना था दादा दरबार, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं भी चल लूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि मैं जाऊंगा ट्रेन से। तो आपको आज लाहौर की ऑरेंज ट्रेन का भी सफर करवाते हैं, मैंने भी पहले नहीं किया, मेरा ही फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को भी फर्स्ट एक्सपीरियंस करवाते हैं और उसके साथ 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 दादा दरबार भी दिखाते हैं। तो चलिए पहले जाके तैयार हो, इन कपड़ों में जाना तो सही रहेगा, पहले तैयार होते हैं और उसके बाद चलते हैं। यो तो फाइनली आपका भाई हो गया फिर से तैयार, और हम जाने लगे हैं दादा दरबार। हमने पहले जाना है यहाँ से ठोकर, ठोकर से हमें बैठना ऑरेंज ट्रेन पे, ऑरेंज ट्रेन से हम उतरेंगे गुलशन रावी पे, वहाँ पे हमारा दोस्त इंतजार कर रहा होगा और वहाँ से हम जाएंगे दादा दरबार। आपको दिखाते हैं एक छोटा सा ट्रिप, तो चलिए चलते हैं। हाँ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ठोकर, हमारा वो सामने से हमने बैठना है ट्रेन पे, चले वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको ट्रेन दिखाते हैं। और रश आप देखिए ठोकर पे, क्योंकि ये लाहौर का गढ़ है, इंटर यहाँ से होता है लाहौर के अंदर बंदा, तो आओ यार चलो। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये रहा मेट्रो ट्रेन का स्टेशन, चलते हैं अंदर और चल के देखते हैं। पहली दफा देख रहा हूँ तो कोई आइडिया नहीं है किस तरह होगा कुछ भी। भाई साहब यहाँ पे हैवी किस्म का रश लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं टिकट काउंटर पे, यहाँ से टिकट लेंगे फिर उसके बाद करेंगे जो करना है। भाई साहब बड़ी मेहनत के बाद टोकन मिल ही गया है, अब जा रहे हैं ऊपर, अब देखते हैं भाई साहब के कैसा रहता है ट्रेन का एक्सपीरियंस। अगर आप अभी तक के एक्सपीरियंस की बात करो तो बहुत ही डिज़ास्टर था भाई साहब, ट्रेन आई हुई है देख सकते, लेकिन ट्रेन चले गई, हमारे आने से ट्रेन चले गई भाई साहब। प्रैंक हो गया आपके साथ। हाँ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे जहाँ पे हमने आना था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना बुरा नहीं था, लेकिन आप लोग आ सकते हैं, लेकिन भाई साहब रश बहुत होता है यार। फाइनली उतरने के बाद आ गए यहाँ पे आसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा व्लॉग है, खुआ करवा दिया यार, इतना रश था भाई साहब, ये आगे अब जा रहे हैं हम लोग आगे दादा दरबार। दादा दरबार जा रहे थे तो रास्ते में बाइक की दुकान आई, तो आसान साहब यहाँ पे इंजन ऑयल चेंज करवाने हैं, अंकल जी ने तो पूरी बाइक ही खोल दी, क्या कहेंगे आप। अब इसके तासीरात देखें, 300 रुपये लगाने आया था, 1000-2000 लग गया। अंकल यहाँ बैठे हैं अंकलों की महफिल, इन लोगों को बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बोल दें इनको। भाई साहब फाइनली 1 घंटे बाद जाके इसकी बाइक सही हुई है और अंकल जी ने इतने पैसे बना दिए कि अब ATM मारना पड़ रहा है। चलो यार अब चलते हैं दादा दरबार, हो रहा देखो किसी हो गई है भाई, छोटे से काम के लिए आए थे और देखो टाइम कितना हो गया, चलो यार। हाँ तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं दादा साहब, आप सामने देख सकते हैं, तो हम कैसे चल के आपको दिखाते हैं। सलाम पेश करते हैं और मैं आप तमाम लोगों के लिए भी इंशाल्लाह दुआ गो हूँ कि आप लोगों की भी तमाम जायज ख्वाहिशात पूरी हों। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।